जी यस बेटा, टुडेज आवर टॉपिक इज बिग फाइव थ्योरी। डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी दैट इज रिलेटेड विद द पर्सनालिटी एज वी आर अर्लियर डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स बाय डिफरेंट फिलोसफर्स, different categories we have already discussed. Today we will discuss the big five theory dimension that is used in the case of personalities. हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज कैटेगरीज देखी हैं। हमने इंट्रोवर्ड, एक्सोवर्ड, एम्बीवर्ड, देन मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, बट दिस फाइव थ्योरी इज रिलेटेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग कोस्टा एंड रॉबर्ट इन 1970। तो उन्होंने ये डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन की है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कॉन्साइंशियसनेस। दिस इज द फर्स्ट वन। एज द वर्ड इट मींस कि वन शुड बी वेरी कॉशन रिगार्डिंग, बहुत ही अपने किसी भी वर्क के लिए क्या होता है, वो कॉन्शियस होता है। दिस पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप कॉन्शियस हो किसी काम को करने के लिए। आपको पता है मुझको ये वर्कआउट मिला है तो मैंने इस काम को करना है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो दैट पर्सन वो क्या होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। एंड दे आर वेल डिसिप्लिन्ड, ठीक है, कोई भी आपकी बहुत ऑर्गेनाइज होते हो। रिगार्डिंग देयर ड्यूटी, ठीक है, डिसिप्लिन, कॉन्शियसनेस, आपकी अंदर से आपको ये होता है कि नहीं, मैंने अगर ये मुझको काम मिला है, ये मुझको ड्यूटी मिली है, तो मैंने उसको अच्छी तरह से करना है। तो दैट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, इसी में आपका आता है बेटा एक न्यूरोटिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, जो आपका इमोशनली होते हैं। These types of person, जो neurotism और emotional stability वाले होते हैं, तो naturally emotional क्या होता है, the person have the tendency of experience, emotionally बहुत easily वो emotionally हो जाते हैं, जो आपके emotions होते हैं, anger है, anxiety है, depression है, sadness है, ठीक है, जिसको मूडीनेस भी कहते हैं। सम पर्सन दे आर वेरी इमोशनल, आप उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो वो बहुत इमोशनली हो जाते हैं, ठीक है, हर चीज को वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पर्सन, उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं इमोशनलिस्ट में। आपने देखा होगा आपके भी फ्रेंड्स हैं, सर्कल में है, सम पीपल दे आर वेरी इमोशनल, उनको थोड़ा सा भी आपने कुछ बोल दिया है तो बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाएंगे। समटाइम यू हैव द सीन द पीपल, दे स्टार्ट क्या, रोना शुरू हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज को हम बोलते हैं इमोशनली। देन आपका एग्रीएबल, एग्रीएबलनेस, ठीक है, दिस इज द थर्ड कैटेगरीज, एग्रीएबलनेस मींस दोज हु आर एग्रीएबल।
बहुत ही क्या करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। किसी भी अगर आप काम को उनको बोलो, इफ यू वांट टू हेल्प दे विल गिव यू हेल्प, दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन नेचर। ऑलवेज हेल्पफुल, ठीक है, और एकदम ट्रस्ट भी कर देते हैं उनको। आप कोई भी वर्कआउट दे दो, कोई काम कर दो, ठीक है, यू कैन दे कैन फेथ यू, दे कैन फेथ इजली। वो आपको हर चीज में हेल्प करने की, दे आर हेल्पफुल पर्सन। ठीक है, आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो दीज कैटेगरीज वी कॉल एग्रीएबलनेस, दोज हु आर वेरी कोऑपरेटिव हेल्पफुल इन नेचर। इसी में बेटा नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्स्ट्रावर्जन, फोर्थ वन, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन, एज यू नो वर्ड एक्स्ट्रावर्जन, दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, इमोशन, सोशियबिलिटी, ठीक है। एज वी अर्लियर डिस्कस, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इजली मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। वो कहीं पे ये नहीं देखेंगे कि मेरा सर्कल है कौन बैठा के, दे एक्सपोज, वो अपने सारे, कोई भी चीज होगा वो किसी भी ग्रुप में इजली एडजस्टेबल हो जाते हैं। दोस्त दिस टाइप ऑफ पीपल एक्स्ट्रावर्जन, इसको हम बोल सकते हैं दे आर मोर टॉकेटिव। जो टॉकेटिव पर्सन होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाएगा, बैठेगा, वो वेट नहीं करेगा कोई इसको पूछे क्या है क्या नहीं। ही और शी स्टार्ट हिज ओन, जो भी इसमें बोलना है करना है। दे नीड नो नॉट टू परमिशन ऑफ अदर पर्सन, इजली एडजस्टेबल। कहीं भी किसी कंपनी में, ग्रुप में, वो अपने आप को इमीडिएटली एडजस्ट कर लेता है, तो वो एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं, उसको हम कैटेगरीज बोलते हैं। एज वी डिस्कस इन डिफरेंट थ्री टाइप्स, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, एंड दे आर टॉकेटिव इन नेचर। देन आपका फिफ्थ वन में आ जाता है ओपननेस। दिस इज ओपननेस, ठीक है। दोज हु आर ओपन माइंडेड, ठीक है, यू हैव सीन द सम पर्सन, दे आर नैरो माइंडेड, सम पीपल दे आर ओपन माइंडेड, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज। एज वी नो दिस डिफरेंट बिग कैटेगरीज, यू नो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस फुल फाइव थ्योरीज। एज वी मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज, यू हैव सीन इन द लास्ट टॉपिक, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी गो थ्रू विद दिस ऑल टॉपिक्स। कॉन्शियसनेस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, दोज हु हैव एनी ड्यूटी, नॉट नीड टू से देम, नॉट गिव देम इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, दे विल डू, दे विल कैरी ऑन विद देयर ओन ड्यूटीज विदाउट द एनी इंटरप्रेटेंट। देन नेक्स्ट इज इमोशनली, दोज हु आर वेरी इमोशनल, ठीक है। वो आपको, आप उनको कुछ भी बोलोगे, दे विल फील इजली,
समटाइम वी हैव सीन द पर्सन, अगर आपने उनको कुछ बोला भी नहीं होगा वो क्या इमोशनली हो जाते हैं. सम पीपल्स दे एक्सप्रेस देयर एंगर, एंग्जाइटी, सोरोनेस, सैडनेस. दीज पीपल्स आर अंडर दिस कैटेगरीज. नाउ थर्ड वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एग्रीएबलनेस मीन्स हेल्पफुल. दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर एंड दे आर रेडी टू हेल्प अनदर पर्सन विदाउट एनी डिलेइंग. ठीक है, हम स्पोर्ट्स करते हैं, हम गेम खेलते हैं, ये सारी कैटेगरीज पर्सनैलिटीज दैट इन्वॉल्व इन अवर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कॉम्पिटिशंस. वेन एवर वी नो द डिफरेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग पर्सनैलिटी वाइज, देन वी हैव कम टू नो कि विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी हैव टू गिव. एज वी डिस्कस, सम पीपल आर दे आर वेरी अग्रेसिव by their nature. Whenever they are playing any activities, they are more aggressive. Some people, they are very cool and calm. They plan their strategies according to the situation. They will follow the that strategies, technical and different style, where we have to change, where we have to accelerate, where we have to solve the opponents. So these five theories we have discussed regarding the dimension of personalities. This is five we already discussed. Now our second topic regarding this, that is aggression in sports. What is aggression? First of all, we will discuss what is aggression. Okay. Aggression, as we have discussed, motivation. But now we have to discuss what is aggression. First of all, beta, in every competition, we need aggression. It is a demand of the game nowadays. Without aggression, you can't achieve your goal. ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप किसी भी एक्टिविटी को lightly, casually करोगे तो that will not give you better result. If you will do that particular activities in sports. ठीक है, mainly we discuss regarding in sports. So every competition demands a degree of aggression. आपको आपने कोई भी game खेलनी है, activity खेलनी है, तो आपको पता है each and every player they are fully prepared for that particular activities. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप कोई competition खेलने जा रहा है तो वो without preparation आ रहा है. Aggression. What is the role of aggression in sports? ठीक है, हमने aggression पे discuss करना है कि इसका sports से क्या related है. Whether it is beneficial for sports person or harmful. We have to discuss the merit and demerits of aggression. Before we start this relation with the sports, we have to discuss the aggression. Okay, as I already discussed that it is a demand of the sports. Whether you take is positive or negative, some aggression that leads to harm साइकोलॉजिकली अदर पर्सन. ठीक है, हम क्या करते हैं किसी को हम साइकोलॉजिकली, अगर हमने उसको साइकोलॉजिकली क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन को खराब करना है, ठीक है, उसके टेम्परामेंट को खराब करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, उसको हम साइकोलॉजिकली अपने एग्रेशन से उसका कंसंट्रेशन लेवल को उसको हम खराब कर देते हैं. मीन्स की इफ सपोज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, if some batsman is batting in cricket, what he is doing, he is taking his stance and he is just ready for that particular bowler bowling, and the fielder who is standing in front of him, that is forwards of short leg, silly points, they use some words regarding the what we call in the technically in the field of sports sledgings, they use some foul languages, they use some unawkward मूवमेंट्स. ठीक है, वो ऐसी मूवमेंट्स करेंगे, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन, तो नेचुरली जो आपका बैट्समैन है उसका
कंसंट्रेशन लेवल, उसका टेम्परामेंट है, वो वहाँ पे फर्क पड़ता है. एंड ही लूज दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट बॉल, अगर जो उसने फेस करनी है उसका कंसंट्रेशन खराब हो गया, वो आउट भी हो सकता है. तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशन, दैट इज विद इन द रूल ऑफ. एंड वन ऑफ द सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग होस्टाइल एग्रेशन, ठीक है, एक होता है आपका सिंपल, आपने किसी को अपना एग्रेशन शो किया है, उसको आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो. अब मोस्टली एग्रेशन इज व्यूड एज ए नेगेटिव साइकोलॉजिकल करेक्टर. व्हेन ए पर्सन हैज एन इंटेंशन टू हार्म एनीवन और एनी प्लेस विद इन द रूल एंड रेगुलेशन द वर्ड एग्रेशन इज यूज. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, व्हेन ए पर्सन हैज एन इंटेंशन टू हार्म एनीवन फॉर प्लेस विद इन द रूल एंड रेगुलेशन द वर्ड एग्रेशन इज यूज. एग्रेशन बेटा इज डिफाइंड एज एनी बिहेवियर डायरेक्टेड टू आर इंटेंशनली हार्मिंग और फिजिकली साइकोलॉजिकली वन सेल्फ. अब हमने इसमें क्या, इन साइकोलॉजी एग्रेशन इज एन एक्शन और रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल दैट डिलीवर समवन अनप्लेजेंट. दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन. ठीक है, जो हम साइकोलॉजिकली किसी इंडिविजुअल को, कोई हम अपने एक्शन से, ठीक है, क्या करते हैं इंडिविजुअल को अनप्लेजेंट अनदर पर्सन. अब इसमें आपका आ जाता है टाइप्स, होस्टाइल. ठीक है, होस्टाइल एग्रेशन, होस्टाइल एग्रेशन. As you know this word hostile, ठीक है, in simple word hostile aggression is what, when there is a totally intention of any person, जो हमारा primary aim क्या होता है इसमें, what is our primary aim, is to cause physical harm or injury to your opponent. ठीक है, aggression means hostile. The primary main aim of any person to cause physically harm or injury to your opponent. ठीक है, हमने समटाइम जितनी भी आपकी बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स हैं, ऑलमोस्ट उन गेम्स में ये आपका होस्टाइल एग्रेशन यूज होता है. व्हेन वी डेलिबरेटली डिलीवर द बाउंसर, वी ट्राई टू हिट द ओपोनेंट बैट्समैन. ठीक है, जितनी आपकी बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स होगी हैं वहां पे हमको ये देखने को मिलता है. फुटबॉल में आप इंटरसेप्ट करते हो, ठीक है, समटाइम्स यू नो कि गोल होने वाला है, आप इंटरसेप्ट करते हो और इंटेंशली उसको अटैक करते हो. तो दैट इज जुडो, बॉक्सिंग, ये सारी गेम्स है. और एग्रेशन का डिफरेंट इंपैक्ट पड़ता है आपके गेम्स में भी. देन इसी में नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. डिफरेंस क्या है इसमें बेटा, जो आपका होस्टाइल है मींस कि दैट इज अ मेन प्राइमरी एम टू हार्म अनदर पर्सन बाय फिजिकली, आप उसको हार्म करते हो, इंजरी करते हो, ठीक है, वो आपका प्राइमरी एम होता है. बट
इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इसमें मेन हमारा क्या है, वी हैव टू गेम गोल ओरिएंटेड, हमने किसी को क्या करना है, अपना गोल को भी अचीव करना है और उसको हमने अपने एग्रेशन से क्या करना है? जैसे सपोज हम कोई भी अपना गेम खेल रहे हैं, हम अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू अपने एग्रेशन से, ठीक है, इंटेंशनल एंड प्लान्ड वे से, जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड वे से, हमने इंटेंशनली एंड प्लान्ड वे से हमने क्या करना है, हर्टिंग समवन टू गेन गोल, अटेंशन, मॉनेटरी रिवार्ड्स, सपोज आप एक स्टूडेंट है, किसी के बेंच पे बैठ जाता है, ठीक है, दूसरा आके व्हाट ही डू, ए स्टूडेंट हु विश टू सिट ऑन द पर्टिकुलर डेस्क दैट वाज टेकन बाय अनदर स्टूडेंट एंड विल मेक हिम एग्रेसिव बाय नॉकिंग हिम आउट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्रेशन वी हैव सीन इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो. देन देर इज basically this two type of aggression, but there is one third one, that is a assertive behavior. इसको हम behavior, it is another way of aggression बोलते हैं, ठीक है. So what we have to do in this type of behavior, स्पोर्ट्स पर्सन समटाइम वर्बली, जिसको हम देखा होगा आपने वर्बली, और एट द टाइम ऑफ फिजिकल फोर्स टू अचीव अ गोल, बट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स विच इज यूज बेसिकली साइकोलॉजिकली, एंड दैट इज टॉलरेटेबल बाय द ऑफिशियल्स ऑल्सो, ठीक है. आप ऐसा एग्रेशन शो करते हो कि वो आपका मोस्टली क्या होता है, साइकोलॉजिकल, एंड दैट इज टॉलरेबल बाय द ऑफिशियल्स. यू हैव सीन कि समटाइम अपने ग्राउंड में किसी से आपस में आपकी, यू हैव सीन द मोस्टली क्या होता है, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. साइकोलॉजी, इसको आपका ने उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना, इट इज ऑलमोस्ट लेजिटिमेट फोर्सेस दैट कॉज साइकोलॉजिकली हार्म टू अनदर पर्सन. और आपने देखा होगा कोचिज भी क्या बोलते हैं, टू सी देयर प्लेयर टू बी एग्रेसिव, दैट मींस कि स्टे दैट मस्ट बी एसर्टिव, एग्रेसिव होना जरूरी है बट विद इन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है. अगर आप में एग्रेशन नहीं होगा आपका बिहेवियर, तो क्या होगा, आप गोल ओरिएंटेड नहीं होगे. जो आपने अचीव करना है अपना, उसके लिए गेम एंड स्पोर्ट्स में एग्रेशन बहुत जरूरी है. दैट इज विद इन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, उस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जो रूल एंड रेगुलेशन बने होते हैं, दैट वी हैव टू फॉलो. अदरवाइज यू हैव सीन व्हाट हैपन, पीपल दे पनिश, ऑफिशियल उनको पनिशमेंट दे देते हैं, उनको क्या करते हैं, नेक्स्ट मैच के लिए उनको आउट कर सकते हैं, ग्राउंड में अनफेयर मीन्स के लिए उनको बैन कर सकते हैं, दे पेनलाइज देम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स इन हैंड ऑफ अंपायर्स, रेफरीज, इफ देयर इज एनी अनफेयर मीन्स यूज बाय एनी प्लेयर दैट पर्सन, उसको हम एथलीट को क्या करते हैं, उसको हम वार्न कर सकते हैं, उसकी मैच डिडक्शन होती है,
उसको अब सम टाइम यू हैव सीन डोप टेस्ट, उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकते हैं. तो देयर इज अ रूल एंड रेगुलेशन फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी गेम्स. विद इन दैट यू हैव टू प्ले, विद इन दैट यू हैव टू डू योर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज. दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर.